हाय फ्रेंड्स, आपका बहुत बहुत स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज का वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होने वाला है क्योंकि बहुत सारे लोग इस वीडियो का इंतजार कर रहे हैं। मैं आपको जल्दी से बता देना चाहता हूं कि क्या वीडियो है, लेकिन अगर आप इस चैनल के ऊपर पहली बार आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को शेयर भी करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसकी जानकारी मिल सके। मैंने एक वीडियो बनाई थी इस ड्रॉपर को लेकर के, क्योंकि इस ड्रॉपर के इस्तेमाल को किस तरह से आप इजी रूप से कर सकते हैं और इस ड्रॉपर को कैसे आप समझ सकते हैं, इसके लिए एक मैंने वीडियो बनाई थी और उसमें बहुत सारे लोग कमेंट कर रहे हैं कि आप ड्रॉपर के साथ साथ यहाँ जो कैप है इसकी भी आप एक डिटेल रिव्यू बनाएं और जानकारी दें। यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ये जो ड्रॉपर है इसको आप किस तरह से इजी ढंग से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो मैं सबसे पहले इसके बारे में आपको बता देता हूँ। यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि कुछ मार्क की हुई है, तो सबसे पहले आपको ये जानना है कि यहाँ पे आप देख सकते हो कि 0.6 जो है वो मार्क की हुई है। इसका मतलब ये होता है कि 0.6 अगर आप किसी बच्चे को कोई भी मेडिसिन देते हो तो वहाँ पे आप उसे 12 बूंद पिला रहे हो, यानी कि 0.5 अगर आप देते हो, यहाँ पे जैसे आप देख सकते हैं 0.5, तो आप उसे 10 बूंद दवा इस्तेमाल करवा रहे हो। तो यहाँ पे सीधी सी बात है कि 0.5 में 10 बूंद और 0.6 में 12 बूंद, अगर 1 ml उस बच्चे को आप दवा दे रहे हो तो वहाँ पे 20 बूंद आप इस्तेमाल कर रहे हो, यानी कि 20 बूंद अगर आप दवा इस्तेमाल करते हो तो 1 ml दवा हो जाती है। अगर आपको डॉक्टर कहता है कि इस दवा को या कोई भी मेडिसिन है उसे अगर 15 बूंद इस्तेमाल करनी है, तो आप यहाँ पे समझ जाओ कि यहाँ पे अगर आप 6 में देते हो तो 12 बूंद होगी, थोड़ी सी ऊपर बढ़ जाते हो तो 15 बूंद हो जाएगी। तो उसी ढंग से आपको इसमें कैप में भी इंडिकेशन दी हुई होती है कि 2.5 ml, जैसे कि डॉक्टर बोलते हैं 2.5 ml देनी है, तो यहाँ पे देखिए ये मार्क की गई है कि यहाँ पर से अगर आप देते हो तो 2.5 ml होती है। अगर 5 ml देना है तो यहाँ पर से आप दे सकते हो दवा, तो ये 5 ml होती है। 10 ml देनी है तो यहाँ तक 10 ml होती है। अब बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं कि 1.5 ml कैसे दें, तो या तो आप इस ड्रॉपर से दे सकते हैं एक बार पूरे और एक बार 0.5 तक, या फिर अगर आप कैप से देते हैं तो यहाँ पर से आपको देनी होगी। इसी तरह से अगर आपको 7.5 ml देती है, तो बहुत सारे कैप में यहाँ पे जो है 7.5 ml की टिक भी लगाई हुई होती है और यहाँ पे साइन भी दिया हुआ होता है। तो इस ढंग से आप सारी जो है मैनेज कर सकते हैं। अगर 4 ml देनी है तो यहाँ पे 5 ml से नीचे देनी है, तो इस तरह से आप कैप को समझ सकते हैं और इस ड्रॉप को भी आप समझ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहा होगा और जो भी डाउट आपके मन में होंगे वो भी दूर हो गई होगी। तो मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट इन्फॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर। जय हिंद, वंदे मातरम।